इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए हैं। इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का घर जला दिया है। इमरान खान के समर्थकों और सेना के बीच जंग शुरू हो गई है। सड़कों पर उतरे लोगों ने बैंकों को भी लूट लिया है। सेना मुख्यालय से लेकर कोर कमांडर के घर पर हमला कर दिया गया है। ये सब कुछ उसी देश में हो रहा है जो भारत से कश्मीर को आजाद कराना चाहता है। पाकिस्तान में सेना पहली बार अपने ही लोगों से पिट रही है। इस पूरी घटना के बाद भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। भारतीय सेना ने पूरी सीमा को घेर लिया है। पूरी एलओसी पर सेना की जबरदस्त तैनाती कर दी गई है। भारत को डर है कि पाकिस्तान में बिगड़ते हालातों का फायदा उठाकर पीओके में बैठे आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। कश्मीर में G20 बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए हैं। भारत को डर है कि अपने ही देश में बुरी तरह पिट रही पाकिस्तानी सेना लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत को निशाना बना सकती है। पाकिस्तानी सेना जानती है कि अपने ही देश के लोगों का गुस्सा शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि भारत के खिलाफ कोई कदम उठा लिया जाए। लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तानी सेना की किसी भी साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर चुका है। भारत ने कड़ी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। भारतीय सेना की नजर भारत में ही बैठे पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स पर भी है। भारत नहीं चाहता है कि खुद की लगाई आग में झुलस रहे पाकिस्तान की लपटें जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। इसीलिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। आप सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और भारत को सावधान क्यों हो जाना चाहिए। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब इमरान खान ने खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैजल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान ने कहा कि मेजर जनरल फैजल नसीर ने उनकी हत्या की कोशिश की है। इमरान खान के इस बयान के बाद पाकिस्तान की सेना भड़क गई। पाकिस्तानी सेना तब और गुस्से में आ गई जब इमरान खान ने अपनी रैली में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर निशाना साध दिया। पाकिस्तानी सेना बिलावल भुट्टो को पसंद करती है। खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान की सेना बिलावल भुट्टो को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन इमरान खान ने भारत से बेइज्जती करवाकर लौटे बिलावल भुट्टो की जमकर निंदा की। इमरान खान ने बोला कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी है। बस तभी से इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सेना को पाकिस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कठपुतली की तरह काम करे, अपना दिमाग ना लगाए। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो ही कर सकते हैं। इमरान खान तो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। इसी वजह से सेना इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की दुकान भारत की तारीफों से नहीं बल्कि भारत के विरोध से चलती है। जब तक भारत से जंग की आशंका बनी रहेगी तब तक पाकिस्तान की सेना पश्चिमी देशों से हथियार और आर्थिक मदद लेती रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान को अब इमरान खान पसंद नहीं है।